नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार के समस्तीपुर में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। फुट ओवर ब्रिज से टकराई ट्रेनें। ट्रेन टकराने के बाद ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड को कुछ पता नहीं चला। यहां तक कि ट्रेन टकराने के बाद भी ट्रेनें चलती रहीं। चलती ट्रेन में हुई बड़ी रेल दुर्घटना। दोस्तों, ये किस प्रकार की रेल दुर्घटना थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी और कहाँ पर हुई थी, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल होता यूं है कि समस्तीपुर में ट्रेन की एक बोगी आज सुबह करीब 6 बजे फुट ओवर ब्रिज के पिलर से टकरा जाती है। यह घटना समस्तीपुर बरौनी रेलखंड का बताया जा रहा है। आपको बता दें, दलसिंह सराय स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की शुरुआत में रेलवे गुमती की ओर पुराना फुट ओवर ब्रिज सुबह करीब 6 बजे समस्तीपुर की ओर से थ्रू माल ट्रेन बरौनी की ओर जा रही थी। रेलवे कर्मचारी ने बताया कि ट्रेन के किसी वैगन का गेट खुला रह गया था, जिसके कारण डाउन और अप लाइन के बीच बने फुट ओवर ब्रिज के पिलर में जोरदार टक्कर मार दी जाती है, जिससे पिलर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और वहीं पर बोगी का छोटा हिस्सा भी टूटकर बिखर जाता है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी मालगाड़ी के चालक और गार्ड को इस मामले की खबर तक नहीं मिली। ट्रेन चालक ट्रेन लेकर आगे निकल जाती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्टेशन के कर्मी मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद ऑन ड्यूटी बसंत झा ने इस मामले की जानकारी सोनपुर रेलवे कंट्रोल को दे दी। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही सोनपुर के DRM नीलमणि घटना स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। घटना के बाद मौके पर पहुंच कर रेलवे के अधिकारी जांच में जुट जाते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद भी माल ट्रेन नहीं रुकी, फिलहाल फुट ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया है। अच्छी बात ये रही कि सिर्फ पुल को नुकसान हुआ, न किसी व्यक्ति की जान गई, न ही किसी यात्रियों की जान जाती है, नहीं तो एक बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।